हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइड इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम पाइलिंग के अंदर स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, या फिर स्पायरल या हेलिकल रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलो फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू कर। तो ये मैंने एक सैंपल पाइल लिया है जिसमें हमारा ये 800 mm डाया का पाइल है। ये जो पाइल है इसका डाया कितना है, 800 mm है, और हमारा इसका कवरिंग कितना है, 50 mm। 50 mm का हमने क्या लिया है, कवर लिया है। और इसका जो कटिंग लेंथ है, इसका जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है, 15 मीटर। ये पाइल का डेप्थ 15 मीटर है। तो इसका सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। पाइल डेप्थ कितना है, 15 मीटर से। मेन बार इसमें जो है, मेन बार कितना है, 20 डाया के 12 नंबर हैं। ये जो मेन बार दिए है इसमें, ये मेन बार है, ये 20 mm के कितने हैं, 12 नंबर हैं। जो मास्टरिंग है, मास्टरिंग यहाँ पे कितना है, 10 mm डाया का 1 मीटर का स्पेसिंग पे है। मीन्स 1000 mm मीन्स 1 मीटर का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे है। ये जो मास्टरिंग है यहाँ पे देखिए, ये मास्टरिंग है, ये कितने पे है, 1 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे, ये 10 mm की डाया है इसकी। इसके बाद हमारा क्या दिया है, स्पाइरल रिंग या जिसको हेलिकल रिंग भी बोलते हैं, ये कितना, 8 mm डाया का है, 150 सेंटर टू सेंटर। ये जो हमारा है स्पाइरल रिंग, ये हमारा कितना है, 8 mm डाया का है, 150 सेंटर टू सेंटर। मीन्स यहाँ से यहाँ इसका सेंटर 150, यहाँ से यहाँ इसका सेंटर कितना है, 150। इसका जो पिचिंग है इसका कितना है, 150, 150 mm सेंटर टू सेंटर। और हमें क्या दिया है, पाइल ऑफ डाया, जैसे मैंने बता दिया पाइल का डाया कितना है, 800 mm का डाया है पाइल का। तो हमें इसकी टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है, कितना इस पाइल में कितना स्टील जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन बार लेते हैं। मेन बार का कैसे निकालना है, हमारा टोटल डेप्थ कितना है, 15 मीटर डेप्थ है, ये हमने यहाँ पे 15 मीटर ले लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, 1 मीटर लैपिंग पकड़ा है। अभी देखिए हमारा स्टील कितना मीटर का आता है, 12 मीटर का आता है। हमारा डेप्थ कितना गया, 15 मीटर, तो हमें बीच में क्या करना पड़ेगा, लैप करना पड़ेगा यहाँ पे। और लैपिंग मैंने कितना पकड़ा है, 50D, 50 × जितना का डायामीटर है। तो मेरा डायामीटर कितना है, 20 mm का, तो 50 × 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो मैंने यहाँ पे 1000 mm हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इसको मैंने 1 मीटर पकड़ा है, 1.0 mm, 1 मीटर लैपिंग हो गया। फिर इसका मैंने 0.48 मीटर एल पकड़ा है। ये जो हमने एल दिया है, एल जो हम जो वर्टिकल बार को नीचे एल देते हैं कुछ इस तरह से, ये जो एल देते हैं कितना होता है, 24D होता है। जो हमारा L होता है डिजाइनिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए, 24D। इसको 24 × D मीन्स डाया, हमारा डाया कितना है 20 का, तो 24 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। तो हमारा कितना होगा, 480 mm हो गया, मीन्स 0.48 मीटर हो गया। ये हमारा कितना आ जाता है, इसका हम ऐड करेंगे एक, इसको इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 16.48 होता है। हमारा टोटल नंबर ऑफ बार कितना है, 12 नंबर से, जैसा हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा रनिंग मीटर कितना आ गया, मेन बार का 197.76 मीटर। हमारा जो मेन बार लगा है, ये जो मेन बार लगी हुई है 12 नंबर, इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, 197.76 रनिंग मीटर। इतना मीटर हमारा 20 mm का सलिया लगेगा। इसके बाद हम मास्टरिंग निकालते हैं। ये जो हमारा मास्टरिंग लगा है, इसको मास्टरिंग बोलते हैं। ये जो हमारा मास्टरिंग लगा है, इसका क्वांटिटी निकालते हैं, इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा डाया है, डाया में से हमें, ये जो हमारा डाया है, डाया में से क्या करेंगे, हम कवर माइनस कर देंगे। यहाँ से 50 mm, यहाँ से 50 mm, तो टोटल कितना माइनस हो गया, 100 mm। तो ये कितना बचा, ये 800 का हमने 50-50 100 माइनस कर दिए तो 700 बचा। वही हमने यहाँ पे किया है कि 800 का डाया है,
माइनस 50 इंटू टू, दो साइड का हमने माइनस कर दिया कवर, तो कितना हो गया 700 mm इसका डाया हो गया। जैसा हम ये फॉर्मूला जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस ऑफ पाइल, हम यहाँ पे पकते हमारा ये पाइल सर्कल में है, तो कितना होता है पाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है पाई डी। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 और डी का हमारा वैल्यू कितना आ गया है 0.700, ये हमारा इतना डाया आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.198 मीटर। एक एक जो हमारा रिंग है इसका रनिंग मीटर कितना आ जाएगा 2.198 मीटर। अभी इसमें कितने रिंग्स लगेंगे, ये जो हमारा डेप्थ है, जो हमारा हाइट है या डेप्थ है, इसमें कितना हमारा रिंग कितना लगेगा 15 मीटर का है, तो इसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू टोटल हाइट डिवाइड बाय स्पेसिंग, जो टोटल हाइट है डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना है हमारा 1 मीटर और प्लस 1 हम करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, हम रिंग नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं कभी भी प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 नंबर्स हो जाएगा। मास्टर रिंग का क्वांटिटी कितना हो गया, इसका कटिंग लेंथ हो गया 2.198 और नंबर्स कितने हो गए 16 नंबर्स हो गए। ऐसे अब हम हेलिकल या फिर स्पायरल का लेंथ निकाल लेंगे, ये जो हमारा स्पायरल लगा है या फिर ऐसे ऐसे जो लगता है ये हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो स्पायरल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एन, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये कितना है एन अंडरस्कोर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट कितना होता है, जो स्पायरल है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा स्पायरल के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे एन क्या है, एन कितना है नंबर्स, नंबर ऑफ स्पायरल कितना लगेगा, तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल हमारी हाइट कितनी है डिवाइड बाय इसका पिचिंग। अभी हमारा हाइट कितना है टोटल 15 मीटर है और स्पायरल का पिचिंग कितना है 150, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 150 150, तो हम क्या करेंगे टोटल हाइट डिवाइड बाय क्या करेंगे पिचिंग, जो हमारा उसका स्पेसिंग है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना है 15 मीटर का हाइट है और इसका स्पेसिंग है पिचिंग कितना है 0.150, 150 mm है, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे 100 नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम प्लस 1 करेंगे तो 101 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सी क्या है, यहाँ पे जो अंडर रूट में सी स्क्वायर है ये क्या है हमारा, ये सर्कमफेरेंस है जो हमने यहाँ पे निकाल दिया ऑलरेडी 700 mm, ये हमारा सर्कमफेरेंस है जो हमारा 700 mm ऑलरेडी निकाला हुआ है। उसके बाद पी क्या है, पी इसमें पिचिंग है फ्रेंड्स, पिचिंग या फिर स्पेसिंग कह सकते हैं, जो यहाँ पे हमको स्पेसिंग दिया गया है 150 सेंटर टू सेंटर, ये जो हमारा पिचिंग है ये कितना 150 सेंटर टू सेंटर, ये हमारा पिचिंग है। तो हमारा पिचिंग कितना है 0.150, 150। तो हम ये वैल्यू को इधर पुटअप कर देंगे 100 अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, ये सर्कमफेरेंस और ये पिचिंग है जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इसको हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका 0.49 आ जाएगा, और 0.15 का स्क्वायर करेंगे तो 0.225 आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 0.5125 का आ जाएगा, और इसको हम अंडरस्कोर जो हमारा अंडर रूट है उसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.7158, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 71.58, इतना मीटर हमारा स्पायरल लगेगा। मीन्स ये जो हमारा स्पायरल लग रहा है या फिर ऐसा जो स्पायरल हमारा जाएगा वो उसका टोटल रनिंग मीटर कितना है 71.58। अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, मेन बार का कटिंग लेंथ हो गया है, मास्टर रिंग का कटिंग लेंथ हो गया है यहाँ पे, और इसका नंबर्स आ गया है, स्पायरल का क्या हो गया हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया है टोटल। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वांटिटी इसके निकालते हैं।
तो हमारा ये मेन बार है, हमारा मेन बार कितना आया था, 197.0 मीटर आया था, इनटू हमारा 20 mm का डाया था, स्टील का डाया कितना है 20 mm, 20 mm के लिए कितना होता है पर यूनिट वेट, 2.47 केजी पर रनिंग मीटर। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना केजी आ जाएगा, मेन बार का वेट इतना आ जाएगा। ऐसे मास्टर रिंग हमारा कितना है, 2.198 इंटू 16 नंबर, मास्टर रिंग का लेंथ कितना आया था हमारा 2.198 और नंबर्स कितने थे 16 नंबर्स। तो 2.198 मल्टीप्लाई बाय 16 हम कर देंगे तो कितना आया 35.16। और ये हमारा 10 mm का डाया है स्टील, मास्टर रिंग कितना है 10 mm है, तो 10 mm के लिए कितना हम वेट यूज़ करते हैं 0.62 पर रनिंग मीटर। अगर ये वेट कैसे निकाला जाता है, या फिर जो हम फॉर्मूला जानते हैं d²/162, ये फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अगर आपको इसका डेरिवेशन कैसा है, कैसे करते हैं इसको निकाल देखना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पाइरल या हेलिकल जो बार है हम उसका रनिंग मीटर लेते हैं, उसका कितना है 71.58 मीटर आया है, इंटू ये हमारा 8 mm का रिंग है, 8 mm डाया का है, तो हम कितना वेट पकड़ेंगे 0.395, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इन तीनों का सम कर देंगे, मेन बार, मास्टर रिंग और स्पाइरल या हेलिकल रिंग का, तो हमारा कितना 536.65 kg, इतना हमारा स्टील इस पाइल में जाएगा। ये जो हमारा 15 मीटर डेप्थ का पाइल है, 8 mm का डायर का पाइल है, उसमें कितना हमारा क्वांटिटी जाएगा स्टील का 536.65 kg। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा और आपने सीखा भी रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे बहुत सारी बातें जो हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने वाले हैं वो आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।